हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। आज की इस वीडियो में हम कुछ छोटी सी बातें सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? आज हम स्क्वायर ट्रिक सीखेंगे। मतलब बेसिकली कभी हमें नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कई बार आप उसके अंदर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं जिससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें समझा सकें जिससे आपका टाइम कम लगे और आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सके। एक्चुअली में क्या होगा, स्क्वायर्स जो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के बीच में पूछा जाएगा, तो हम बस इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प करना चाहेंगे कि कैसे आप स्क्वायर्स को जल्दी से जल्दी निकालें और ताकि आपका आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी आए और देन आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो में स्क्वायर ट्रिक्स विद RBC लर्निंग। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास नंबर है 15, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, या फिर मेरे पास नंबर है 25, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, या फिर मेरे पास नंबर है 75, मुझे 75 का स्क्वायर निकालना है। मतलब इन तीनों नंबर्स की जो यूनिट डिजिट है वो है 5। सो जिन भी नंबर्स की यूनिट डिजिट 5 होती है, इनका हम स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये काफ़ी सिंपल है। ये आपको क्लास 8 की बुक में भी मिल जाएगा आराम से, क्योंकि वहीं का टॉपिक है। सो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इन स्क्वायर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास जैसे नंबर है 15, तो 15 में यूनिट डिजिट 5 थी। अब 5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। और जो हमारे पास स्टार्टिंग में नंबर है जो कि टेंथ प्लेस पे है वो है 1। अब 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 2। यानी कि मुझे क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 2। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। 25 एंड 2 को क्लब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा। देखा, काफ़ी सिंपल है ना ये। ऐसे ही आप 25 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 25 के स्क्वायर में आपको सिंपली क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, मतलब यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। ये क्या होगा, 25 होगा। एंड हमें क्या करना है, 2 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट नंबर, 2 × 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर होगा 25 का स्क्वायर, वो कितना निकल के आएगा, 625 आएगा। ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे वो 4 डिजिट हो, चाहे वो 5 डिजिट हो। बस आपको करना क्या है, किसी तरह बस देखना है कि उसकी यूनिट डिजिट में 5 है या नहीं। अगर 5 होगा तो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं 75 को करना चाहूँ तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 7 का नेक्स्ट नंबर होता है 8, 7 8 = 56। तो हमारा आंसर आ जाएगा 625. तो ये किसका स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है। ऐसे ही अगर मैं 105 का स्क्वायर निकालना चाहूँ, 105 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 10 × 11 मतलब 110 एंड 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। सो ये हमारा आंसर आ गया 11025। सो ये क्या था हमारा, जब भी हमारा स्क्वायर किसका आएगा, 5 का आएगा यूनिट डिजिट में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक और जरा तरीके से समझते हैं, अगर हमारे पास कोई मल्टीपल आता है 11 का, तो 11 का मल्टीपल कैसे फाइंड आउट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास नंबर है 14528, मुझे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना। काफ़ी लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, वो क्या करते हैं, 1 को पहले 8 से करेंगे, फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 5 के, फिर 1 को 4 से, फिर 1 को 1 से, देन उसके बाद दोबारा 1 से करेंगे। तो इसकी छोटी सी सिंपल सा एक वे है जिसमें हम इसको कर सकते हैं। वो वे क्या है, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसको आप एज इट इज़ लिख दें। अब हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट छोड़ के दोबारा इसी नंबर को हम दोबारा लिख देंगे। मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट छोड़ा और बाकी दोबारा हमने इसी नंबर को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 8 एंड ये कितना हो जाएगा 8, फिर दोबारा 9 एंड ये 5 1। सो ये हमारा आंसर आ गया जो कि हम मल्टीप्लाई करके निकालने जा रहे थे, उसको हमने सिंपल वे में निकाल लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, मान लो हमारे पास नंबर है 1269, 1269 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से। सो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे लिखूँगा 1269, देन एक प्लेस छोड़ के दोबारा 1269 लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है, तो 9 में कुछ ऐड नहीं हो रहा तो 9 रहेगा, 6 में 9 ऐड होगा तो 15 हो जाएगा 1 कैरी, देन अगेन 2 + 1 = 3, 3 और 6 = 9, 2 + 1 = 3 and 1। सो ये मेरा क्या है, आंसर है। ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको 11 से ही मल्टीप्लाई करने को आए, आपको 11 का मल्टीपल भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक नंबर है 125, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 33 से, तो 33 से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 33 क्या है, 11 का ही मल्टीपल है। 11 का कितना मल्टीपल है, 3 times मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 125 नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 5 = 15 एंड 3 2 = 6 7, 3 1 = 3, 375 मेरे पास आंसर आ रहा है।
अब इस 375 को जैसे मैंने इन दोनों पार्ट्स पे किया वैसे ही मैं इसको लिख दूंगा। 375 एक प्लेस छोड़ी, दोबारा लिख दिया। अब 5 एज इट इज रहेगा, 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, 1 कैरी 2, 1 प्लस 3 4, 4 एंड 7 11। सो ये मेरा आंसर आ जाएगा 4125। तो आप किसी भी मल्टीपल को कर सकते हैं। अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे करना है 225 को 44 से मल्टीपल 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो 225 को 44 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, 225 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 225 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 900। यानी कि ये जो 900 है मुझे ये 2 टाइम्स लिखना है, एक स्पेस छोड़ के, एक यूनिट डिजिट छोड़ के, बस 0099 9900 मेरा आंसर आ गया। सो ये ऐसे ही आप 11 के मल्टीपल या फिर 11 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो उसको किसी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं अपनी स्क्वायर ट्रिक के ऊपर ही। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी नॉर्मल नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसकी यूनिट डिजिट 5 नहीं आ रही। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 87 का स्क्वायर, मुझे 87 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आपने काफ़ी बुक्स में पढ़ा होगा कि 87 का स्क्वायर हम 100 माइनस 13 करके भी कर सकते हैं। सो बेसिकली 100 में से 13 करेंगे माइनस, देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये नॉर्मल तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। मैं एक और छोटा तरीका आपको समझाता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली उसमें करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि आपके पास जो 87 नंबर है ये कौन से 10 वाले डिजिट के नियर बाय आ रहा है, मतलब ये कौन सा 10 के मल्टीपल के नियर बाय आ रहा है, यानी कि 10 के मल्टीपल यानी कि 100 के नियर बाय आ रहा है। सो अगर मुझे 87 को 100 बनाना है तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 13 को ऐड करना होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 87 में अगर 13 ऐड करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। अब ऐसे ही अगर आप इसमें 100 ऐड कर रहे हो तो आपको 100 लेस भी करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस भी 13 करेंगे। जो भी आंसर 87 को प्लस करने पे आया, मतलब 87 को अगर मैंने 13 से ऐड किया तो मेरा आंसर आया 100। अब मैं 87 में से अगर 13 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 74। तो यहाँ पे हम 74 लिख देंगे क्योंकि 87 से माइनस करने पे 13 हमारा क्या आंसर आ रहा है, 74। अब जो चीज़ हमने प्लस करी या जो चीज़ हमने माइनस करी हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आता है 169। अगेन अब मुझे इसको ऐसी 10 प्लेस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मतलब ऐसे 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना है जिससे मेरा आंसर इसका कुछ सॉल्व हो जाए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 100 से डिवाइड कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर रहा हूँ जिसके अंदर कितनी जीरोज आ रही हैं, 2 जीरोज आ रही हैं, तो मैंने जो ये मल्टीप्लाई किया था इनके सिर्फ 2 प्लेसेस तक ही मैं ले पाऊंगा, मतलब जितनी जीरो से मैं इसको डिवाइड करूंगा उतने ही डेसिमल प्लेसेस मैं यहां से ले पाऊंगा। So, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाए तो मैं यहां से भी 2 ही प्लेसेस लूंगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसको 100 से 100 डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 74। और एक मेरे पास पेयर था 69, तो मैंने 69 लिख दिया। अब ये जो 1 बचा है इसको 1 को हम क्या करेंगे, इस वाली अगली डिजिट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमने जब इसको कैरी किया तो यहां पे 1 आ गया, यानी कि ये कितना आंसर हो गया, 7569। तो 7569 मेरा क्या है, 87 का स्क्वायर। सो ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 92 के स्क्वायर की। तो 92 के स्क्वायर में अब मुझे इसको 100 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर प्लस 8 कर दूंगा। तो जब मैं 92 में 8 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 100। अब प्लस की है तो माइनस भी करना होगा, 92 में से 8 लेस करूंगा तो मेरा बचेगा 84 आ गया आंसर। अब मुझे क्या करना है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 8 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 64। यानी कि जो इसको डिवाइड अब जिसमें करना है वो मुझे क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, मतलब 2 प्लेसेस तक लेनी। तो 2 प्लेसेस ऑलरेडी मेरे पास है 64। हम क्या करेंगे, 100 से 100 को डिवाइड मतलब पूरा कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर बचेगा 84। एंड जो डिजिट थी वो एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे कैरी देने को कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया था 13 को 13 से तो हमारा आंसर आया था 169। यानी कि 1 जो था मेरे पास कैरी देने को था क्योंकि मैंने इसको 20 से डिवाइड किया था। यहाँ पे 20 से डिवाइड करने पे भी मुझे 64 ही चाहिए और मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस ही है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट 264 ही ले लूंगा। सो मेरा 92 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 8464 आ जाएगा। अच्छा, ये तो वैसे नंबर्स हो गए जो कि आपके एकदम 100 के नियर बाय थे। सो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 53 के स्क्वायर का। 53 का स्क्वायर मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमने कुछ 100 के नियर बाय ले लिए थे, अब हम एकदम मिड वैल्यू का लेते हैं। 53 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने 100 लिया था वो 10 का मल्टीपल 10 टाइम्स था,
तो 50 क्या होगा, 10 का मल्टीपल 5 टाइम्स होगा, मतलब 5 को 10 से करूंगा तो भी 50 आएगा, यानी कि वो भी नियर बाय है, उसमें भी 0 आ रहा है। सो हम अगर 53 को 50 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, तो 53 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ऐसे ही मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना होगा, तो 53 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9, यानी कि इसको हम ले लेंगे 09, टू प्लेसेस का हम लेंगे इसके अंदर। अब हमें इसको जो डिवाइड करना है वो कितने से करना है, कि ऐसे कि इसकी जीरोस जो है वो ना, मतलब कैंसिल आउट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब 10 से डिवाइड किया तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ सिंगल डिजिट को लूंगा, सिंगल डिजिट यहाँ पे क्या है, 9 है। सो 0 को 0 से कैंसिल आउट किया, अब मुझे 5 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं 56 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ जाता है 5 6 30 and 80 हो जाएगा, ये 280 आंसर आएगा। सो मेरा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 2809, यानी कि 53 का जो स्क्वायर है वो कितना निकल के आ रहा है, 2809। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आपके पास 42 नंबर है तो आप उसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको भी आप नियर बाय 50 के लेके जा सकते हैं। आपके पास 62 नंबर है तो आप उसको भी कर सकते हैं, नियर बाय 50 के फाइंड आउट करने के लिए आप 12 प्लस 12 माइनस करेंगे। ऐसे आप किसी भी नंबर को आराम से इजीली कर सकते हैं, इसी प्रोसेस का फॉलो करना। अगर यूनिट डिजिट 5 आती है तो उसका मैंने आपको बताया कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो स्क्वायर ट्रिक, जिसमें मैंने आपको एक 11 का मल्टीपल एंड स्क्वायर सिखाया कि हम कैसे स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।